हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज मोहित आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द अपर लिम और द सुपीरियर एक्सट्रीमिटी एंड दैट टॉपिक इज एक्जिला सो बेसिकली क्या होगा ना इस वीडियो में हम पूरा एक्जिला वाला पार्ट को कवर करेंगे ब्रेकियल प्लेक्स को मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सेस पे ऑलरेडी मेरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे जाके ब्रेकियल प्लेक्सेस एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो तो ब्रेकियल प्लेक्सस आप वहाँ से देख सकते हो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्जिला वाला पार्ट मोस्ट प्रोबेबली दो वीडियोस में कवर हो जाना चाहिए एक्जिला वाला पोर्शन तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्जिला उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दूसरी बात मेरा दूसरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसमें मेरी लाइफ से रिलेटेड वीडियोस और जो भी अदर देन स्टडी की वीडियोस हैं वो उस चैनल पे आती रहती हैं तो दूसरा चैनल जो है मोहित शोरान के नाम से उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो so स्टार्ट करते हैं एक्ज़िला वाला पोर्शन इसको हम पढ़ेंगे इस एक मॉडल की मदद से जो बी के अंदर था मैंने कट करके उसी को बनाया ये तो एक्ज़िला क्या होता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक्ज़िला इज़ अ पिरामिडल स्पेस आप एक्जिला से समझते क्या हो बेसिकली जो हमारा आम पेट वाला एरिया है ना वही एक्जिला होता है बाहर की तरफ नहीं उसी को अगर हम अंदर के अंदर से देखेंगे बॉडी के अंदर से तो वो उसी को हम एक्जिला बोलते हैं शेप क्या होती है उसकी शेप होती है पिरामिडल ठीक है देखो जैसे ये पिरामिडल शेप है ठीक है इसका एपेक्स बेस जो है वो पूरी तरह से एपेक्स जो है वो मतलब पॉइंटेड नहीं है वो अलग बात है बट दिस इज़ पिरामिडल इन शेप सो इज पिरामिडल इन शेप और कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होता है तो हमारा जो एक्जिला है एक बात बताओ आम पिट जो है वो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है हमारी आम के बीच में और हमारे अपर पार्ट ऑफ द थोरेक्स के बीच में ठीक है तो अपर थोरेसिक वॉल एंड आम के अपर पार्ट के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा एक्जिला तो इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर थोरेसिक वॉल एंड द अपर पार्ट ऑफ द आम ठीक है इतनी सी बात समझ आ गई उसके बाद चलते हैं एक्जिला की छह बाउंड्रीज होती है देर आर टोटल सिक्स बाउंड्रीज ऑफ एक्जिला एपेक्स बेस एंटीरियर वॉल पोस्टीरियर वॉल मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल तो इस वाले मॉडल से हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसे रखा हुआ है ये सबसे आगे की तरफ मतलब आप सामने से देख रहे हो तो ये है एंटीरियर इसके पीछे कौन सी हो जाएगी पोस्टीरियर वॉल एंटीरियर के साइड में मीडियल ये वाली साइड मीडियल साइड मान के चलो मेरा जो ये वाला हाथ दिख रहा है ये मीडियल साइड है और ये वाला हाथ लेटरल साइड तो ये वाली साइड हो गई मीडियल साइड तो इधर से आपको दिखाऊं तो ये मीडियल वॉल है हमारे एक्स की और अपोजिट साइड में लेटरल वॉल है हमारे एक्जिला की तो टो, टोटल टो टो ये चार वॉल्स इंपॉर्टेंट हो गई एंटीरियर वॉल पीछे पोस्टीरियर वॉल मीडियल साइड में मीडियल वॉल और लेटरल साइड में लेटरल वॉल तो जो मीडियल वॉल है वो किस तरफ होगी वो हमारी अपर थोरेसिक वॉल की तरफ होगी और जो लेटरल वॉल है वो किस तरफ होगी वो हमारी आर्म की तरफ होगी ऑब्वियस सी बात है एंटीरियर वॉल सामने की तरफ पोस्टीरियर वॉल पीछे की तरफ ये तो चार वॉल्स होगी उसके अलावा हमारे एक्जिला में दो चीज़ होती है एक होता है एपेक्स और एक होता है नीचे की तरफ बेस तो जो आपको एपेक्स दिखाई दे रहा है ये आपको पॉइंटेड दिखाई दे रहा है या फिर ये अजीब सा जो है ब्लंट शेप का दिखाई दे रहा है सो so, apex जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है और मीडियल होती है apex इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड मीडियल मतलब ऊपर की तरफ इस तरह से कुछ होती है ये मान लो ये मीडियल साइड या लेटरल साइड ये सुपीरियर या इन्फीरियर तो हमारी apex कुछ इस तरह से होती है सॉरी मैं एन टी ए वो ला कर देता हूँ हाँ कुछ इस तरह से हमारी अपेक्स होती है एपेक्स किस तरफ है इधर की तरफ इधर क्या है मीडियल साइड है तो मीडियली होती है और ऊपर की तरफ होती है एपेक्स इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड मीडियली एंड इट कंटिन्यूज इनटू द रूट ऑफ द नेक तो जो मेरी अपेक्स है एक्जिला की वो किस में जाती है वो रूट ऑफ द नेक में जाती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बॉडी पे सो so, इसको हम सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल भी बोलते हैं इसी वजह से एपेक्स का दूसरा नाम क्या होता है सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल एक्जिला जो है वो रूट ऑफ द नेक में जो एपेक्स ऑफ एक्जिला है वो रूट ऑफ द नेक में कंटिन्यू होती है इस वजह से इसको बोलते हैं सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल ऊपर से नीचे आए तो ऊपर नेक है नीचे एक्जिला है तो सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल उसके अलावा बेस की बात करें अपेक्स ऊपर की तरफ है तो बेस कहाँ होगा नीचे की तरफ तो ये हो गया एक बार ओवरव्यू अब मैं इसको आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं देखो कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करना जो ये वाला पार्ट है ये मेरा आम है और ये मेरी अपर थोरेसिक वॉल है तो मैंने बोला था एक्जिला प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द आम और अपर थोरेसिक वॉल के बीच में तो ये जो मेरा पार्ट है ना ये वाला ये वाला पार्ट ये यहाँ पे आम पिट है ये आम पिट के इधर जो ये अपर आम का पार्ट है अपर पार्ट ऑफ द आम ठीक है और ये अपर जो थोरेसिक वॉल है इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पे इसे हम बोलते हैं एक्जिला ठीक है तो किस किस को बोलेंगे यहां पे मेरी रिब्स प्रेजेंट है रिब्स के जस्ट इधर से स्टार्ट हो जाता है हमारा एक्जिला और इधर हमारा इधर कौन सी बोन है इधर ये वाली कौन सी बोन है ये ह्यूमरस बोन ह्यूमरस बोन और रिब्स के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम एग्जिला एक तरह से ऊपर की तरफ एपेक्स कहाँ जा रही है देखो इस तरह से एक सेकेंड देखो ये वाला मॉडल था हमारा जिसमें ये एंटीरियर है और पीछे की तरफ पोस्टीरियर है और एक तरफ मीडियल लेटरल है तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ कुछ इस तरह से ये हमारा एक्जिला है इधर क्या है ये लेटरल वॉल है इस मॉडल के हिसाब से बताऊं तो ये वाली वॉल कौन सी है ये लेटरल वॉल है ये देखो ये वाली जो वॉल है ये लेटरल वॉल है ये लेटरल वॉल मेरे अपर पार्ट ऑफ द आर्म की तरफ जा रही है मीडियल वॉल अपर थोरेसिक वॉल की तरफ है एपेक्स ऊपर की तरफ जा रही है ऊपर कहाँ जा रही है एपेक्स मेरी रूट ऑफ द नेक में जा रही है देखो इधर ये इसलिए जो एपेक्स है ना इसको सरवाइको एग्जिलरी कैनाल भी बोलते हैं और जो बेस है इसका एक सेकेंड इस तरह से दी जो इसका बेस है ये एक्जिला है एक्जिला का पूरा मॉडल है ये एक्जिला के नीचे जो इसका बेस है ना एक्जिला का आ, एक सेकेंड हाँ एक्जिला का जो बेस है वो यहां पे प्रेजेंट है ये तो एक्जिला का बेस कौन बना रहा है यहां पे क्या प्रेजेंट है मेरी स्किन तो स्किन और उसके नीचे जस्ट नीचे होता है एक्जिलरी फेशिया स्किन और एग्जिलरी फेशिया ये दोनों चीज मिलकर बनाती है बेस ऑफ द एक्जिला लेटरल में कौन हो गया लेटरल वॉल कौन बनाएगा बेसिकली ह्यूमरस बोन और बाइसेप्स बाइसप्रैक शॉर्ट हेड मीडियल वॉल कौन बनाएगा मीडियल में क्या आता है रिब्स आ जाती है तो मीडियल वॉल बनाता है रिब्स और बेस में बता दिया मैंने स्किन वगैरह है एंटीरियर वॉल अभी मैं बताऊंगा आगे एंटीरियर वॉल बनाती है पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर एंड पोस्टीरियर वॉल जो है वो बनाती है तीन मसल सब्सकेपुलरिस टेरिस मेजर एंड लेटेसिमस टोर्स है तो ये होता है हमारा एक्जीला जस्ट यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये मेरा एक्जीला का पार्ट है ये लेटरल में अपर पार्ट ऑफ द आर्म मीडियल में जो है मेरा अपर पार्ट ऑफ द थोरेसिक वॉल एपेक्स ऊपर की तरफ जाती है रूट ऑफ द नेक में और बेस होता है ये नीचे जो हम जो हम दिखाई देता है वो होता है बेस तो कुछ इस तरह का हमारा एक होता है तो एक बार इस वाले डायग्राम में मैं आपको और दिखा देता हूँ देखो जो मैंने अभी अभी बोला कि ये ये में इस तरफ रिब्स प्रेजेंट है ये मीडियल साइड हो गई लेटरल साइड में ह्यूमरस प्रेजेंट है तो रिब्स ह्यूमरस ये हो गया लेटरल और मीडियल साइड और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो क्लेविकल होती है स्केप्यूला होती है और फर्स्ट रिब होता है मीडियल साइड में तो ये ऊपर की तरफ एपेक्स प्रेजेंट है नीचे की तरफ बेस प्रेजेंट है ये लेटरल वॉल इस तरफ पर्पल वाली मीडियल वॉल और एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल इस डायग्राम में ढंग से नहीं दिखाई देंगी तो कुछ इस तरह से ये मॉडल ऐसे प्रेजेंट होता है इधर ये मॉडल मैं रख के दिखाऊं, तो देखो इस तरह से प्रेजेंट होता है ये ठीक है जस्ट ये आई यही वाला मॉडल यहाँ ये यह मैंने आपको दिखाया था अभी तो इतना आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है बाउंड्रीज को बाउंड्रीज को और अच्छे से अब हम कवर करेंगे इस टॉपिक में सो so, नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्रीज ऑफ द एक्जिला तो मैंने बोला कि टोटल हमारे पास छह चीज़ें हैं एपेक्स बेस मीडियल लिटल पोस्टियर एंड एंटबुल ठीक है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपेक्स के साथ एपेक्स का दूसरा नाम है सर्वाइको एक्जिलरी केनाल क्यों कहते हैं सर्वाइको एक्जिलरी केनाल मैं बता चुका हूँ फिर से बताता हूँ इसमें डायरेक्शन तो डायरेक्शन इसकी होती है अपवर्ड्स एंड मीडियली टुवर्ड्स द रूट ऑफ द नेक ये पॉइंट पहले ही कवर हो चुका है सेकंड पॉइंट भी कवर हो चुका है कि ये पॉइंटेड नहीं होती ये ब्लंट होती है थर्ड पार्ट जो हमारा जो सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल है ये एक तरह से देखा जाए तो इसमें तो आपको स्क्वेयर या रेक्टेंगल दिख रहा होगा लेकिन ये ट्राएंगुलर शेप होती है जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना ऊपर वाला पार्ट एपेक्स का ये जनरली क्या होता है ना एपेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ ट्राएंगुलर इंटरवल मतलब एक गैप होता है ट्राइंगुलर सा गैप होता है तीन चीज़ों के बीच में ट्राइंगुलर गैप है तो तीन चीज़ों के बीच में ही होगा तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं क्लेविकल स्कैप्यूला एंड द कोरे प्रोसेस एंड द फर्स्ट रिब ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनके बीच में एक गैप बनता है जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर से हम व्यू लें एक तो आगे की तरफ ये हमारा क्लेविकल है पीछे की तरफ ये हमारा स्कैपूला है और ये हमारा मीडियल साइड में हमारी फर्स्ट रिब हो गई तो ये ऊपर से देखें तो इस तरह का एक ट्राएंगुलर गैप बनता है तो जो ये आपको ट्राइंगर गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना इसी को हम बोलते हैं अपेक्स सो so, अगर हम मैं पूछूं आपसे कि अपेक्स ऑफ द एक्सिलाइज बाउंडेड बाय तो बायेक्स ऑफ एक्सिलाइज बाउंडेड बाय आगे की तरफ क्या है क्लैविकल क्लैविकल का भी कौन सा बॉर्डर पीछे वाला बॉर्डर ठीक है पीछे की तरफ है स्केप्यूला स्केप्यूला का कौन सा बॉर्डर ऊपर वाला बॉर्डर सुपीरियर बॉर्डर और यहाँ पे मीडियल साइड में क्या है हमारे पास रिब फर्स्ट रिब फर्स्ट रिब का कौन सा बॉर्डर आउटर बॉर्डर इनर वाला तो नहीं आएगा ना आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब बोलेंगे और लेटरल में तो कुछ ऐसा है नहीं तो तीन चीज़ें हैं एंटीरियरली हमारे पास है क्लेविकल क्लेविकल का पोस्टीरियर सर्फेस पोस्टीरियरली स्केपला स्केपला का सुपीरियर बॉर्डर और स्केपला के साथ साथ स्केपला में जो एक प्रोसेस होता है कोराकोड प्रोसेस वो भी आ जाता है पोस्टीरियर उसमें और मीडियल में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट रिब फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर तो ये हमारा हो गया जो ऊपर ट्राइंगुलर इंटरवल बना वो उसके बाद जो ये ट्रायंगुलर इंटरवल है ये गैप है ये ऐसे तो बनाया नहीं हुआ कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा भगवान ने तो ये जो गैप है इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमारे नेक से हमारे आम रीजन में आती हैं तो कुछ आर्टरीज एंड वेन्स एंड नर्व्स हैं जो हमारे नेक रीजन से यानी कि जो ब्रेन वाला पार्ट है वहाँ से कुछ नर्व्स और नीचे हर्ट वाले पार्ट से कुछ ब्लड वेसल्स वो सब हमारे आर्म हमारे हाथ में घुसती कहाँ से हैं वो इसी एपेक्स की तरफ घुसती है यही एक ओपनिंग है जहाँ से चीज़ें बेसिकली घुसती हैं कौन कौन सी तीन चीज़ें घुसती हैं जो आपको याद रखनी है एक आर्टरी है एक वेन है और नर्व्स हैं आर्टरी वेन हमें पता है एक्जिला है तो एक्जिला से रिलेटेड कौन सी आर्टरी होगी एक्जिलरी आर्टरी एंड उसी से रिलेटेड वेन होगी एक्सिलरी वेन और नर्व्स में हमारे पास यहां पे कौन सा प्लेक्सस बनता है ये ये सब भी आपको पता है ब्रेकियल प्लेक्सस ब्रेकियल प्लेक्सस का कौन सा पार्ट है वो भी बताऊं तो हमारे पास आ जाता है कोड्स एंड ब्रांचेस जब मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाया था ना उसमें मैंने बताया था कि पांच चीजें होती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस में रूट ट्रंक डिवीजन कोड एंड ब्रांचेस सो जो कोड एंड ब्रांचेस जो है ना ब्रेकियल प्लेक्सस के वो इसके थ्रू घुसते हैं वगैरह ऊपर ही बन लेते हैं उसके फर्दर जो डिवीजन है ना कोड और ब्रांचेस वो घुसते हैं एपेक्स के तो ये हो कोशिश करना ये है मीडियल साइड ये लेटरल साइड ये सॉरी ये पोस्टीरियर ये एंटीरियर ठीक है तो आगे की तरफ हमारे पास क्या है ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ये क्या है ये हमारी है क्लेविकल ये हमारी है फर्स्ट ट्रिप ये हमारी है स्कैपूला ये तीन बोन है जो एपेक्स में मैंने अभी आपको बताई है तो एपेक्स जो है एपेक्स इज बाउंडेड बाय पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप मीडियली आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट ट्रिप पीछे की तरफ सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैप्यूला और एंटीरियरली पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ क्लेविकल तो ये हो गया हमारा एपेक्स ऑफ एक्सिला तो इस वाले डायग्राम से भी समझ लो मैंने अभी खुद के ऊपर भी करके दिखाया था भाई ये साइड डायग्राम ये है ये मीडियल साइड में हमारे पास रिब्स हैं लेटरल साइड में हमारे पास ह्यूमरस है पीछे की तरफ हमारे पास स्केपुला बोन है और इसमें कुछ मसल्स और नर्व्स वगैरह हैं वो उनकी बात अभी हम करेंगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये पूरा ये बीच में ये ये हमारा एक्जिला है ठीक है कट सेक्शन है ठीक है एक्जिला का कट सेक्शन है अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेस तो बाउंड्रीज की बात हम कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास बाउंड्री आ जाती है वो है बेस तो बेस की बात करते हैं बेस में हमारे पास मैंने पहले बता चुका हूँ फर्स्ट पॉइंट बेस इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड ये क्लियर हो चुका है बेस जो है वो चेस्ट की तरफ थोड़ा ब्रॉड होता है और आर्म की तर, तरफ थोड़ा सा पतला हो जाता है तो जो हमारा फ्लोर है ना फ्लोर वो चेस्ट की तरफ सॉरी जो चेस्ट ये एंटीरियर ये मीडियल साइड यहाँ पे चेस्ट है चेस्ट की तरफ थोड़ा चौड़ा हो जाता है और जैसे जैसे आम की तरफ जाता है पतला हो जाता है तो चेस्ट की तरफ ये थोड़ा ऐसे चौड़ा होता है और इधर लेटरल साइड में आम है वहाँ जाके थोड़ा पतला हो जाता है तो कुछ इस तरह का बन जाता है ये यहाँ पे चेस्ट मान लो और इस तरफ आम मान लो ठीक है उसके अलावा बेस बनाता कौन है बाहर से अंदर की तरफ चलें तो मैंने बताया था बेस कौन बनाता है मेरी स्किन है स्किन बनाएगी बेस स्किन के जस्ट नीचे जाएंगे तो सुपरफिशियल फेशिया है और उसके नीचे जाएंगे तो एक्जिलरी फेशिया है तो ये तीन चीजें मिलकर बनाती है बेस ऑफ द एक्सिला और जो ये तीन चीजें हैं ये कौन कौन से पार्ट के बीच में मतलब पूरी बॉडी की स्किन थोड़ी बना रही है स्किन बिटवीन द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पैक्टोरलिस मेजर एंटीरियरली एंड लेटिसिमस डोरसाइ पोस्टीरियरली आगे की तरफ एंटीर एक्सिलरी फोल्ड बनता है पीछे की तरफ पोस्टीयर एक्जिलरी फोल्ड बनता है उन दोनों के बीच में जो स्किन आ रही है ना उन दोनों के बीच में जो सुपरफिशियल फेशिया आ रहा है ना और उन दोनों के बीच में जो एक्जिलरी फेश आ रहा है वो बनाता है बेस ऑफ द एग्जिला किस किस के बीच में एंटीरियरली तो हमारे पास हो गया पैक्टोलिस मेजर का इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियरली हमारे पास लेटिसमस डोरसाई होगी ये दोनों मसल के बीच में जो स्किन आती है वो बनाती है बेस उसके अलावा बेस की बात करें तो एक बात बताओ जो आम पीठ है हमारा हम कुछ ऐसे डायग्राम बनाते हैं ये इंसान है ये उसकी गर्दन है ये ऐसे उसके हाथ चलेगा इस तरह का तो ये जो आम पीठ है ये कैसा होता है कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है तो जो आमपीठ है ये कॉन्वेक्स अपवर्ड्स होता है तो जो हमारा बेस है वो उसको भी कॉन्वेक्स अपवर्ड्स होना ही पड़ेगा कॉन्वेक्स अपवर्ड्स बोलो या कॉन्केव बोल लो तो जो हमारा आम पीठ है वो कॉन्केव होता है जिस वजह से हमारा जो बेस है उसको ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स होना पड़ता है उसमें घुसने के लिए ऑब्वियस सी बात है कोई नई बात नहीं है ये अब चलते हैं एंटीरियर वॉल की तरफ अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ जाता है तो इस वाले डायग्राम से हम समझेंगे तो ये मैंने दिखा रखा है कि ये आगे की तरफ हमारे पास एंटीरियर है इधर पीछे की तरफ हमारे पास पोस्टीरियर है ये लेटरल है और इधर मीडियल है हम अब हम बात करेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल और लेटरल वॉल की तो एंटीरियर वॉल में हमारे पास आती हैं वो मसल्स जो स्टर्नम से ओरिजिनेट होकर ह्यूमरस की तरफ जा रही है वो मसल्स जो स्टर्नम से ह्यूमरस की तरफ जा रही है स्टर्नम आगे की तरफ होता है तो स्टर्नम से ह्यूमरस से जो जाएंगी ह्यूमरस तक तो जो जाएंगी वो एंटीरियर वॉल ऑफ एक्जिला बनाएंगी तो खुद सोच के देखो जो एक्जिला वाला पार्ट मैंने बताया था कहाँ पे होता है वहां पर आगे की तरफ कौन कौन सी मसल्स होती है चेस्ट की मसल्स होती हैं तो कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास पैक्टोलिस माइनर एंड पैक्टोरिस मेजर तो ये दो मेन मसल्स हैं जो आ जाती हैं आगे की तरफ और इन दोनों मसल्स के बीच में एक फेशिया होता है जिसको बोलते हैं क्लेवी पेक्टोरल फेशिया ठीक है जो आप मतलब बुक में देख लेना डायग्राम उसका डायग्राम दिखाई देता हूँ चलो तो कुछ इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास आगे की तरफ है पैक्ट्रोलिस मेजर ये पता कट सेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ ठीक है ऊपर से नीचे की तरफ कट सेक्शन है हमारे पास एक जिला का तो ये है हमारे पास पैक्ट्रलिस मेजर पैक्ट्रलिस मेजर के जस्ट पीछे हमारे पास ये मसल है पैक्ट्रलिस माइनर ठीक है और यहां पे ये जो फेशिया दिखाई दे रहा है ये वाला ग्रीन वाला ये है क्लेवी पेक्ट्रोल फेशिया ठीक है तो एंटीरियर वॉल जो एक्जिला की वो कौन बनाता है पेक्ट्रोलिस मेजर पैक्ट्रलिस माइनर एंड क्लेवी पैक्टोल फेसिया उसके अलावा एक नर्व दो नर्व भी आ जाती है लिटल पैक्टोरल नर्व एंड द मीडियल पैक्टोरल नर्व ठीक है ये हो गया एंटीरियर वॉल तो कौन कौन सी मसल आई जो स्टर्नम से ओरिजिनेट हो होकर ह्यूमरस की तरफ जा रही थी अब बात करें पीछे ये हमारा एक्जिला है बीच में व्हाइट वाला पोर्शन तो इसकी पीछे वाली वॉल कौन बना रहा है पीछे वाली वॉल बना रही है वो मसल्स जो स्केपला से ओरिजिनेट होकर ह्यूमरस की तरफ जा रही है मतलब ओरिजिन उसको ना देखो तो ऐसी मसल जो से ह्यूमरस की तरफ जा रही है वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्जिला बना रही है कौन कौन सी नंबर वन हमारे पास हो गई सब्सकेप्युलरस नंबर टू ये जो ग्रीन कलर में दो टेंडन दिखा रखे हैं पूरी मसल नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऊपर से नीचे है ऊपर की तरफ होती है सब्सकेपुलरिस और नीचे की मतलब पोस्टीयर वॉल की बात करूँ तो पोस्टीयर वॉल में सबसे ऊपर होता है सब्सकेपुलरिस उसके नीचे होता है टेरिस मेजर और उसके नीचे होती है लेटिसमस डोरसा तो हमें ऊपर से नीचे तो दिखा नहीं सकता क्योंकि कट सेक्शन है तो ये छोटे छोटे टेंडन दिखाए हैं सब्सकेपुलरिस आती है टेरिस मेजर आती है और लेटिसमस डोरसा ये तीन मसल्स आती हैं पोस्टीरियर वॉल के अंदर तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये पोस्टीरियर वॉल हो गई और एंटीरियर वॉल ये लिखा हुआ ठीक है तो ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर अब मीडियल लेटरल तो बहुत ही ज्यादा ईजी है अब मीडियल वॉल तो आप ही बता दोगे मैंने जब खुद पे करके दिखाया था तो मैंने ये बोला था ना कि मीडियल वॉल कौन बना रहा है ही क्या है हमारे पास रिब्स हैं ऑब्वियस सी बात है तो मीडियल वॉल हमारे पास आ जाते हैं रिब्स और रिब्स के इधर एक मसल होती है वो है सेरेटस एंटीरियर मसल तो सेरेटस एंटीरियर मसल और नर्व टू सेरेटस एंटीरियर और उसके अलावा जो रिब्स हैं वो मिलके बनाती हैं हमारी मीडियल वॉल ठीक है और लेटरल वॉल की बात करें तो लेट्रली हमारे पास कौन सी बोन थी ये वाली ये क्या है ह्यूमरस तो लेटरल में हमारे पास ह्यूमरस बोन है तो अपर पार्ट ऑफ ह्यूमरस बोन और उसके अलावा बाइसेप्स ब्रेकाय का लॉन्ग हेड को हटा दो तो बाकी सब लेटरल वॉल मिलकर बनाएंगे मतलब तीन आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं एक कोरेको ब्रेकियलिस एक शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाय और एक ह्यूमरस बोन का अपर पार्ट ये मिलके बनाते हैं लेटरल वॉल ऑफ द एक्जिला तो ये तो इस डायग्राम से मैंने समझा दिया

सिंपल सी बात है दो मसल है और एक फेशिया है ये मिलके बनाते हैं एंटीरियर वॉल पैक्टोलिस मेजर पूरी एंटीरियर वॉल को कवर करती है जबकि पैक्टोलिस माइनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीच वाले मतलब इंटरमीडिएट क्रेनियल पार्ट आगे वाला जो पार्ट है हमारा एंटीरियर वॉल का उसके बीच वाले हिस्से को कवर करती है इधर देखो ना इस डायग्राम में देखो ना ऊपर से नीचे पूरे एंटीरियर वॉल को कवर कर रही है पैक्टोलिस मेजर जबकि पैक्टोलिस माइनर सिर्फ बीच वाले पार्ट को कवर कर रही है सिंपल सी बात है पोस्टिट वॉल की बात करें तो पोस्टिट वॉल में मैंने बोला तीन मसल आती हैं इस वाले डायग्राम में देखो ये डायग्राम ऊपर से नीचे की तरफ है तो सबसे ऊपर हमारे पास आ गई सब्सकेरस ये सब्सकेपलरिस हो गई थोड़ा नीचे चले तो आगे टेरिस मेजर और उससे भी नीचे चले तो आगे लेटिसिमो स्टोर्स आए तो ये तीन मसल पीछे की तरफ आ गई आगे की तरफ पैक्टलिस मेजर एंड पैक्ट्रलिस माइनर आ गई बीच में जो प्रेजेंट है ये गैप इसको हम एक्जिला बोलते हैं और एक्जिला से क्या जाता है एग्जिलरी आर्टरी जाती है बेसिकली वो भी अभी आएगा कंटेंट्स में तो पोस्टीरियर वॉल मैंने बताया कि सबस्कैपुलरिस बना रही है टेरिस मेजर एंड लेटसिमोस्टोरसाइ सब्सकेपुलर सबस्कैपुलरिस सुपीरियरली एंड टेरिस मेजर एंड लेटसिमो स्टोरसाइ इन्फीरियरली तो ये हमारी हो गई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल अब बची हुई दो बॉल्स की तरफ और चलते हैं जो है मीडियल एंड लेटरल वॉल तो मीडियल वॉल जो है वो कौन बनाता है अब एक बात बताओ मीडियल वॉल कैसी शेप है मीडियल वॉल की तो मीडियल वॉल जो है एक्जिला की वो होती है कॉन्वेक्स लेटरली लेट्रल साइड में कॉन्वेक्सिटी होती है एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय तो मीडियल वॉल में मैंने अभी एक मसल तो आपको बता दी थी सेरेटस एंटीरियर उसके अलावा भी मैंने कुछ पार्ट बताया था वो थे रिब्स सो so, मीडियल वॉल इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट फोर रिब्स विद देयर इंटरकोस्टल मसल्स चार हमारी रिब्स की हड्डियाँ और उनके बीच की इंटरकोस्टल मसल्स एंड अपर पार्ट ऑफ द सेरेटस एंटीरियर मसल ये बनाती है मीडियल वॉल लेटरल वॉल की बात करें तो लेटरल वॉल जो है वो नैरो होती है क्योंकि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल उस पर कन्वर्ज करती हैं मतलब कि जो ये एंटीरियर वॉल है ये पीछे पोस्टीरियर वॉल है कुछ इस तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल लेटरल साइड में जा ऐसे जुड़ जाती है कन्वर्ज कर जाती हैं जिस वजह से लेटरल वॉल थोड़ी सी नैरो होती है तो नैरो हो चाहे कुछ भी हो हमें मतलब है कि कौन कौन उसको बना रहा है तो लिटल वोल इज फॉर्म्ड बाय अपर पार्ट ऑफ द शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस इन द रीजन ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है ना ह्यूमरस बोन में या फिर उसको बाइसिपिटल ग्रूव भी बोलते हैं उस रीजन में जो शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस का पार्ट है वो बनाता है लिटल वोल मसल बनाती है और शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई मसल तो दो मसल तो मैंने बताई दी थी ना लिटल वॉल में एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई उसके अलावा अपर पार्ट ऑफ द द ऑफ ह्यूमरस भी लिटल वॉल ऑफ द एक्ला में पार्ट लेते हैं तो ये हमारा हो गया एक्जिला का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मान लो यानी शुरू वाला पार्ट खत्म हो गया अब एक्सिला में कुछ नहीं बचा एक्सिला के सिर्फ कंटेंट्स बाकी बचे तो वो हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर तो वाइज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंटेंट और दैजाला के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को शेयर कर देना और मेरे दूसरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लेना उसमें मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया उसको जाकर देख लेना मोहित शोरान के नाम से सर्च करोगे चैनल मिल जाएगा और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय